फिर मैं फ्रेम में आ जाऊंगा। सीधे खेत से, गांव की मेड से हम खेत में खड़े हैं। ये छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं जो कि अब तैयार होने की स्थिति में लग रहे हैं। सर, ये जो ये पौधे हैं किस चीज के? ये पौधे हैं गाजर। गाजर जानते हो ना? जी हाँ जी हाँ। गाजर जो लाल सबसे पौष्टिक होती है, लाल और लंबी होती है, इतनी लंबी होती है, ये उसकी जो है ना, ये गाजर है। ये अभी बहुत जल्दी 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगी गाजर। जी जी। जो सर्दी के मौसम, ये आगे जल्दी बोती है और जो इस पूरी सर्दी चलती है, गाजर का जो हलवा खाते हो, गाजर का जो रायता पीते हो, गाजर का जो पौष्टिक है आंखों के लिए, उसके लिए खास तरह की मिट्टी की प्रयोग होती है किसी भी मिट्टी में? ये भूड़ की मिट्टी है, ये हमारे इसमें गांव मेहमनपुर जादव है उसमें ये ज्यादातर यहाँ फूल पत्तियां गाजर इस तरह की ज्यादा होती है, भूड़ की खेती है। कितने दिन में ये फसल तैयार हो जाती है? ये 2 महीने में तैयार हो जाती है। और इसके लिए कोई खास तरह के खाद या बीज? खाद वाद की तो जरूरत नहीं होती इसमें, कोई ज्यादा ऐसी गोबर का खाद डाल देते हैं। और ये भूड़ की जमीन है तो इतने में बहुत लंबी गाजर बैठती है और ये हमारे क्षेत्र में यहाँ बहुत होती है। और ये कितने हेक्टेयर में ये कितना फसल हो जाता है? देखिए हेक्टेयर क्या, इसमें कम से कम भी ये तो नीचे दबी हुई जमीन है, इसमें हो जाए तो 50 क्विंटल हो जाए, 100 क्विंटल हो जाए, 200 क्विंटल हो जाए, इसकी तो नीचे की वो है, लेकिन ज्यादातर 1 हेक्टेयर में 100 क्विंटल तक हो जाती है। इस गाजर की खेती के लिए कोई ऐसा खास तरह की बीमारी या कोई खास तरह के मेडिसिन के प्रयोग की जरूरत पड़ती है? तकरीबन तो कोई ऐसी इसमें होती नहीं है, क्योंकि सर्दियों की है, बाकी इस पर कोई छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना यूरिया की खाद की जरूरत है, ना बस गोबर का खाद नीचे डालते हैं इसमें। और देखिए कितनी बढ़िया हरी भरी ये सब खड़ी हुई है, ये गोबर के खाद। पौधा का जो साइज कितना बड़ा तक हो पाता है? बस 1 फुट और बढ़ेगा, जैसे जैसे खुदता जाएगा ये बैठती जाएगी। इसके बीज भी किसान? बीज भी तैयार कर लेते हैं, खुद छोड़ देंगे तो इसमें बीज आ जाता है ऊपर। आप देख रहे हैं गाजर की खेत, और किसान बाजारों से भी इसके बीज प्राप्त करते हैं, और खुद भी जो किसान अपने आप को कृषि में ज्यादा मशगूल मानते हैं वो इसकी बीज भी खुद तैयार करते हैं। गाजर किसान जितने भी बीज हैं किसान अपने घर में ही पैदा कर लेता है, मूली हो, गाजर हो, आलू हो, या जो भी सब्जी हो, कद्दू हो, लौकी हो, कुछ भी हो, गेहूं हो, सरसों हो, बाजरा हो, मक्का हो, किसान की तकनीकी जो है वो अपना बीज पैदा कर लेती है। लेकिन जो नई तकनीकी माननीय प्रधानमंत्री नई मोदी जी लेकर आए हैं, कृषि वैज्ञानिक लेकर आए हैं, उसमें ज्यादा फसल हो जाती है। पहले ज्यादा से ज्यादा 1 बीघा में 2 क्विंटल 4 क्विंटल होती थी, अब 20 क्विंटल होती है। अब हमारे जमाने में जब हम गांव रहते थे तो 100 बीघे में 100 मन होते थे, तो 100 मन का जो 100 बीघे का जो किसान जो 100 मन लेता था, आज गांव में वो 10 बीघा का 2 एकड़ का भी किसान 100 मन अनाज पैदा कर लेता है। तो एक नई क्रांति आई है, नई टेक्निक आई है, तो किसान की लागत बढ़ी है तो किसान की आमदनी बढ़ी है। अब 60-70 क्विंटल की ईक हो जाती है। अब जो पहले 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल बीघा की सरसों कटती थी, अब 5-5 क्विंटल हो जाती है। अब बाजरा पहले 1 मन बीघे 2 मन बीघे कटता, 10 मन बीघे का कट जाता है। तो ये सब लागत किसान की बढ़ी है तो किसान की आमदनी भी बढ़ी है, किसान की पैदावार बढ़ी है। कहीं ना कहीं आधुनिक खेती कहीं न कहीं फायदेमंद है किसानों के हित में, और नई पद्धति से अगर हम चलते हैं तो कम समय में अपनी फसल को उपजाते हैं और सुरक्षित फसल की खेती कर पाते हैं, और उसमें किसान की विकास, और सरकार बार बार कह रही है कि हम आय दोगुनी करेंगे, तो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें और सरकार के द्वारा लाई गई योजना को अगर उपयोग में लेके आए तो वो कहीं न कहीं आपको आय दोगुनी करने में काफी फायदेमंद रहेगा। देखिए किसने उसमें केंद्र से आता है, ये आपदा जो प्रबंधन है वो केंद्र के आपने आज तो ऊपर क्या है वहाँ अपने गृहमंत्री पूरे उसका दौरा करके आए उत्तराखंड में पूरे में। देखिए अभी भगवान जी प्राकृतिक प्रकोप जो है, प्राकृतिक प्रकोप को रोक नहीं सकता।